फोक्स, सो इस बार हमने सोचा था कि वी विल मीट क्रिएटर्स एज वेल एज पीपल हु आर बिल्डिंग देयर ओन बिजनेसेस। तो आज हमारे साथ में है विदिशा और फोरम। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे कपड़े देखे होंगे, पहले उतने एक्साइटिंग होते नहीं थे, जबकि आप शार्क टाइम में देख रहे होंगे दे आर गेटिंग स्लाइटली बेटर, सो दे आर द सीक्रेट्स बिहाइंड। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज अगर मैं तो अभी वो सबसे दो सवाल है, एक स्टाइलिंग क्यों चूज करूँ, और दूसरा अगर मैं स्टाइलिंग चूज करूँ तो व्हाट आर द थिंग्स जो आपको लगता है अगर आपको पता होता दैट वुड हैव अलाउड यू टू बी इवन मोर सक्सेसफुल। सो स्टाइलिंग द वन थिंग इज दैट एवरी डे इज अ न्यू डे in the work, like I meet new people, say I've met you, I've met your team, we do new clothes, everybody has their own style, you also get to learn their style, you get to learn something different all the time. आपका क्या मानना? I think काफी सारे लोगों से आपको अलग अलग सीखने मिलता है. When I would look at something, I'm like, oh, this and this color definitely doesn't go together. But then I see somebody else wearing it, I'm like, oh, maybe this is a possibility. ऐसा नहीं है रोज आप एक ही काम कर रहे हो. Every day is a new learning. There's every day a new change, a new that you adapt and you take it in a positive way, then you go long. देखिए, life में purpose is again one thing that is very similar, right? मतलब आपका purpose है to do styling and bring new styles to the fore. आपको बड़ी खुशी होती होगी जब आप देखते होंगे shows में and you'd say that was styled by me. Yeah. मुझे भी ऐसे लगता है, दुनिया में कहीं पे मैं होटल देखता हूँ ना तो I look at it and say I was a part of that journey.